मैम किस ग्रह का दान कब करना चाहिए और किसे करना चाहिए? कहते हैं ना, चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न डूबिया नीर, यानी कि दान करने से कभी भी जिंदगी में कमी नहीं आती। लेकिन दान जो है वो तरीके से करना चाहिए, यानी कि यथा योग्य दान भी यथा योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे कि हम अगर सूर्य का दान करते हैं, तो सूर्य का दान जो है वो हमें मध्यम उम्र के और एक उच्च कुल के व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि सूर्य का दान उसी को लगता है दोपहर के समय में आसपास उसको करना चाहिए, रविवार के दिन करना चाहिए। चंद्रमा का दान जो है वो हमें एक स्त्री को करना चाहिए, क्योंकि वैश्य जाति की स्त्री जो कि बिजनेसमैन परिवार से हो, इस तरह की स्त्री को किया गया चंद्रमा का दान जो है वो हमें फलित होता है, और संध्या के समय या चंद्रोदय या चंद्रास्त के समय जो है हमें चंद्रमा का दान करना चाहिए। अगर बृहस्पति का दान कर रहे हैं तो वो हमें धर्म स्थान में कार्य करने वाले ब्राह्मण जो कि पाठी हो, जिसको कि ज्ञान हो, जो इस तरह की एक्टिविटी से जुड़े हुए हो, उन ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और वो भी सुबह के समय करना चाहिए, तो वो हमारा बृहस्पति का दान सही समय पे लगता है। और राहु का दान जो है वो हमें युवा लोगों को करना चाहिए, युवकों को करना चाहिए जो कि किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में लगे हुए हों, और ये जो है वो राहु काल के अंदर या अमावस्या के दिन करना चाहिए। बुध का दान हमें कन्याओं को करना चाहिए, वो कन्याएं जो स्कूल में जाती हैं, और जो स्कूल जाने वाला टाइम होता है लगभग 9 या 10 बजे के आसपास हमें बुध का दान करना चाहिए बुधवार के दिन। और शुक्र का दान जो है वो हमें संध्या काल में करना चाहिए, और विवाहित स्त्रियां जो अपना पूरा श्रृंगार करती हो इस तरह की स्त्रियों को करना चाहिए, तभी हमारा शुक्र का फल हमें मिलेगा। और शनि का दान जो है वो एक बुजुर्ग स्त्री जो कि अपाइज है या फिजिकली जो वीक है इस तरह की महिलाओं को करना चाहिए, तो हमें शनि का दान जो है वो सही समय पे लगेगा, संध्या काल में हो और शनिवार के दिन। उसी तरह से मंगल का दान जो है वो हमें युवाओं को करना चाहिए, इस तरह के युवा जो ब्रह्मचारी हो और जो अपनी किसी न किसी शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी में लगे हुए हैं, इस तरह के युवाओं को दान जो है वो मीठा करना चाहिए और मंगलवार के दिन करना चाहिए। तो ये दान जो है हमें किया गया फल पूरा देंगे, और मंगल का दान जो है वो दोपहर को 12 बजे के आसपास करना चाहिए। तो केतु का दान जो है वो कुष्ठ रोगियों को करना चाहिए, क्योंकि केतु जो है वो कुष्ठ रोगियों को ही लगता है इसका दान, तो कुष्ठ आश्रम में रहने वाले कुष्ठ रोगियों को केलों का दान किए जाए, और या सुबह के समय किया जाए या संध्या के समय किया जाए, तो ये हमें सही फल देंगे। तो इस तरह से दान जो है वो यथा समय यथा योग्य व्यक्ति को देने से हमें सही फल देते हैं। जय श्री राम।